उत्तर प्रदेश में रायबरेली में ईटी यानी पेट परीक्षा देने आई छात्रा ट्रेन से गिरकर घायल हो गई। छात्रा जौनपुर की रहने वाली है और यहाँ के वैदिक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। मामला रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का है। परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान छात्रा नीतू यादव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि वो ट्रेन के नीचे नहीं आई। छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। छात्रा जौनपुर में शाहगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। एग्जाम देके घर जा रही थी अपने, तो ट्रेन से गिर गई। भीड़ बहुत थी तो इसके बाहरी कोई चोट नहीं है, बस पीठ में दर्द है। अच्छा, क्या स्थिति है उसकी? स्थिति नॉर्मल बताए, एडमिट कर रेलवे स्टेशन पे एक छात्रा को कुछ चोट आई है हल्की सी, तो उसके लिए उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे भर्ती कराया गया है। और कोई विशेष चोट वैसी नहीं है, उसके कमर में हल्की सी चोट आई है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रात में उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही रोका जा रहा है। उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और उसके साथ में एक अटेंडेंट है, उसका दोस्त है, तो फिलहाल हम लोग भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। रात में हॉस्पिटल में रहेंगे और जौनपुर के रहने वाले हैं, सुबह जौनपुर के लिए जाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।